इयत्ता पहिली ते दहावीच्या मुलांसाठी निबंध व भाषण तयारी करून घेण्यासाठी या व्हिडिओमधील माहिती उपयुक्त ठरणार आहे। गांधी जयंती पर कविता। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और आप भाषण में ये कविता यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो कविता दी आप लिख कर ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी अहिंसा के परिचारक थे। उनके जीवन में ऐसे कई कार्य हैं जिनसे सभी को शिक्षा मिलती है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जीवन का सूक्ष्म परिचय देने वाली कविता आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। गांधी जी के जीवन में इतनी सारी बातें हैं जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें आपके सामने इस कविता के माध्यम से रखी जा रही हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं हूँ। मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं। देश का वफादार हूँ, परतंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहो जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा कचरा फेंक कर तो दिखलाओ। हमने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम खुद के लिए तो करके दिखलाओ। हमने तुम्हें स्वतंत्र भारत दिया था, हमने तुम्हें स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो बनाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण तो छुड़ाओ, आवरण तो छुड़ाओ। गांधी जयंती इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कब तक हम भारत के इतिहास को कोसेंगे, कब तक किसी का मुंह देखेंगे। हम सभी को एकजुट होना होगा, क्योंकि देश की सफाई हो या भ्रष्टाचार की सफाई या आरक्षण की लड़ाई, यह किसी एक का काम नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का दायित्व है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।